छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छिना बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब रहम पर अब हुआ था वज्र निपात। नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना सुखवानी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, गदर ए लखनऊ। इनकलाब, गदर, विद्रोह, ये सब उन कुछ शब्दों में से एक हैं जो कि 160 साल पहले हुए क्रांति को बयां करते हैं। आज हम आजाद तो हैं, लेकिन उन अनंत अनजान क्रांतिकारियों का क्या, जिन्होंने अपनी जान का बलिदान देकर हमें खुले आसमान में सांस लेने का हक दिलाया, हमें आजादी की मंजिल तक पहुंचाया। ये कहानी अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ की। उस समय लखनऊ पर नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। 29 मार्च 1857 बिराकपुर से मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजाया था। तब जाकर ही 1857 10 में मेरठ की पैदल टुकड़ी ने दिल्ली जाते ही आज़ादी का आगाज किया था। यहां से शुरू हुआ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह के लिए जोश और जज्बे की कमी नहीं थी किसी भी क्रांतिकारी में। हर तरफ बस एक ही आवाज़ थी, आज़ादी, बस आज़ादी, इन फिरंगियों की कंपनी रात से। शहर बदलते रहे, प्रांत बदले, और आज़ादी पाने की लालसा भी बढ़ती रही। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह, ये कोई पहला इस तरह का प्रयास नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि पहला संगठित प्रयास था। इससे पहले भी कई विद्रोह हुए थे जगह जगह, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जो अंग्रेज़ों को बाध्य करते अपनी नीतियों के परिवर्तन में। लेकिन अठारह सौ सत्तावन का जो विद्रोह था, उसने एक बात सिद्ध कर दी थी कि बिना जन सहमति के, बिना भारतीयों की इच्छा के या उनके हितों के विरुद्ध आचरण करते हुए, अंग्रेज़ लंबे समय तक यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। और ये नियम भी है साफ तौर पर। इवन ब्रिटेन में भी, जहाँ राजतंत्र रहा लंबे समय तक, वहाँ भी राजाओं ने जनता के हितों के विपरीत जाकर कार्य नहीं किए। तो 1857 का जो विद्रोह था, वो एक बड़ा प्रयास था इस दिशा में कि भारत अंग्रेज़ों के लिए बहुत लंबे समय तक शोषण का साधन नहीं बना रहने वाला, इसलिए इतिहास में महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए 1857 के विद्रोह के बाद, सबसे पहला मुझे जो लगता है वो ये था कि आत्मविश्वास था। आज़ादी के विद्रोह का यह सैलाब अब बैरकपुर से चलकर दिल्ली, इलाहाबाद, झांसी होते हुए 4 जून 1857 के दिन लखनऊ की सरजमी पर कदम रख चुका था। यह विद्रोह लखनऊ आते ही गदर का नाम ले चुका था। यह गदर उन फिरंगियों के खिलाफ था जो आए तो भारत व्यापार की इच्छा से थे, पर भारत पर ही हुकूमत कर बैठे। यूँ तो लखनऊ शहर नवाबों की विरासत है, यह शुरू से ही अपनी नज़ाकत और अपनी नफासत के लिए मशहूर रहा है। गोमती किनारे बसा यह अपनी हिंदी और अपनी उर्दू के लिए मिश्रित कविता और शायरी के लिए मशहूर रहा है लखनऊ। लेकिन जब फिरंगियों ने अपने कदम लखनऊ की ओर बढ़ाए, तब लोगों ने कलम की जगह तलवार उठाकर अपने सख्त इरादे उन्हें बता दिए कि वह ना किसी के गुलाम थे, ना किसी के गुलाम है, और ना ही कभी किसी के गुलाम होंगे। नवाब वाजिद अली के इंतकाल के बाद लखनऊ की सियासत की कमर जैसे टूटने लगी थी। इस कमजोर पल में लखनऊ की नारी शक्ति ने अपने कदम आगे बढ़ाए और बेगम हजरत महल ने लखनऊ की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने अपने आवाम को यह भरोसा दिलाया कि वो अपनी खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगी। उनकी बात सुन के उनकी आवाम में ऐसा जोश जागा कि उन्होंने अंग्रेज़ों की खून की नदियां बहा डाली। वो रेसिडेंसी जो कभी अंग्रेज़ों का आलीशान महल हुआ करता था, आज कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। वो गोमती जो कभी सफ़ेद थी, अब उनके खून से लाल हो चुकी है। वो रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ के आगाज़ का निशानी था, वो अब लाशों के अंबार से भर चुका था। और वो हज़रतगंज जो कि शहनाइयों की मौसीकी की महफिल सजाया करता था, अब वहाँ शमशीरों की तान और क्रांतिकारियों की ललकार सुनाई पड़ रही थी। पर कुछ गद्दार ऐसे भी थे जिन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, और कुछ गद्दार अंग्रेजों से मिलकर बेगम हजरत महल के साथ विश्वासघात किया,
जिसके कारण मजबूरन बेगम हजरत महल को यह संग्राम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। उनके कुछ सरपरस्त ऐसे भी थे जिन्होंने ये मशवरा दिया कि वो शहजादे को लेकर नेपाल रवाना हो जाएं, वहाँ वो महफूज रहेंगी। और बेगम हजरत महल सब कुछ हार कर नेपाल को चली गईं, जहाँ उनका कुछ समय बाद इंतकाल हो गया। भारत में समय समय पर महिलाओं ने अपनी सक्षमता का परिचय दिया है, उन्होंने लोगों को बताया है, इतिहास में उनके नाम अंकित हैं कि वो उतनी ही सक्षम है जितने कि पुरुष, यदि उनको मौका मिलता है तो ज़रूर वो भूमिका निभाएंगी। रज़े सुल्तान की बात करें या आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी की बात करें या आज की भारतीय राजनीति में बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती हों, तमिलनाडु में जयललिता हों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों, शीला दीक्षित हों, तो बहुत सारी ऐसी नेत्रियां उभर कर आई हैं जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय राजनीति में निभाई है। बेगम हजरत महल भी एक कड़ी हैं उसी का। एक ऐसे समय में जबकि संकट था, उनके राज्य पर पति को निष्कासित कर दिया गया था और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही थी, ऐसे में नेतृत्व देना बहुत बड़ा बड़ा काम था उनका। और वो उन्होंने संघर्ष किया अपनी क्षमता के अनुरूप जितना वो कर सकती थीं और उसके उससे ज़्यादा किया। और बाद में वो नेपाल गई, नेपाल में हालांकि जब यहाँ पर अंग्रेज़ काफ़ी मजबूत होने लगे और जो विद्रोही थे उनकी वो उतने सक्षम नहीं रहे आगे चलकर, अंग्रेज़ों की जो कुटिल चालें थीं और उन्होंने जिस तरह से समेकित शक्ति का प्रयोग किया था, तो उसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से नेपाल चली गई। हालांकि नेपाल ने के जंग बहादुर की सरकार थी उस समय, राजा थे, उन्होंने मना कर दिया सत्ता देने से, शरण देने से। बाद में हालांकि राजी हुए और वहीं पर एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए काठमांडू में उनका निधन हुआ। आज भारत देश को 69 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। भारत के कई शहरों के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत देश को आज़ाद करवाया, उनमें से एक शहर है लखनऊ। आइए जानते हैं लखनऊ की युवा से कि वो इस आज़ादी को कैसे मनाती है। 15 अगस्त के दिन मैं कॉलेज जाऊंगा। इंडिपेंडेंस डे ऑनेस्टली मैं तो 4-5 व्हाट्सएप मैसेजेस भेज देता हूँ जो मुझे भेजते हैं उनको। हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं और उन छात्र छात्राओं को अपने देश के बारे में बताया जाता है और आज़ादी के किस्से सुनाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ गरीब बस्तियों में जाके वहाँ के लोगों को हम लोग थोड़ी बहुत धनराशि और किताबें देते हैं। फ्लैग होस्टिंग देखने जाते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। बाकी टीवी में थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लेता हूँ। लाइक हर इंडिपेंडेंस डे पे मैं एक तरीके का मैं अपने माइंड को डेवलप कर लेता हूँ कि मुझे इस अपने देश के लिए क्या करना। सारे दोस्त लोग बाइक निकाल के घूमते हैं। लास्ट ईयर मैंने जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आया तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं कि अब मैं लोगों को रोकूंगा गंदगी ना फैलाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिपेंडेंस डे में लोगों को अपने माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि कंट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं। खाने को लड्डू मिलते हैं और टॉफ़ीज़ वगैरह भी मिलती हैं और बहुत मज़ा आता है और एक 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 अच्छी सी एक पॉजिटिव वाइब आती है। 1857 के गदर में कुछ तो ऐसी बात थी जिसमें ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूरब, पश्चिम और मध्य भारत भी शामिल हुआ था। इस विरोध ने अंग्रेज़ों को हिला कर रख दिया था, उनकी नींव कमज़ोर पड़ चुकी थी। ये सब जानते हुए भी कि उनके हाथ से सब छूट रहा है, अंग्रेज़ों ने हर मुमकिन कोशिश की जिससे वो भारत पर अपना राज फिर से ला सकें, पर वो नाकाम रहे। इस आज़ादी की लड़ाई में ना तो कोई हिंदू था ना कोई मुसलमानी, सब थे हिंदुस्तानी। जिस आज़ाद मुल्क में आज हम सांस ले रहे हैं, उस आज़ादी के लिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान बलिदान की है। आज उस बलिदान को याद करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, मौत की मंडियों में जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं, मौत की मंडियों में जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं। जब भी इस देश ने एक सर मांगा, हमने भर भर कर झोलियां दी हैं। और इसी के साथ हम अपनी खास पेशकश को करते हैं यहीं ख़त्म। आप सभी दर्शकों को आज़ादी की 69वीं साल की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।